हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी परिश्रम उचित हैं, तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लौहकार लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर पर्याप्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं औघड़ बनकर जाओगे? रुको, लो कम से कम इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। लो दुर्योधन, सोच क्या रहे हो दुर्योधन? देखो मेरी बात मानो, तुम्हारा इस दशा में जाना उचित नहीं होगा। ठीक है मामाशे। अब जाओ और अपनी माता के आदेश का पालन करो, जाओ। कहां से आ रहे हैं युवराज? तुम यहां क्या कर रहे हो वासुदेव? और इससे तुम्हें क्या कि मैं कहां से आ रहा हूं? मेरा कुछ नहीं युवराज, परंतु जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। देखिए युवराज, जब माता पिता कोई आदेश दें तो बिना संकोच करे उनके आदेश का पालन करना चाहिए। किंतु तुम्हें माता के आदेश के बारे में किसने बताया? नहीं, तुम छलिए, तुम फिर से अवश्य मुझे किसी छल में बांधना चाहते हो। मेरी माता के सामने मुझे लज्जित करवाना चाहते हो? नहीं वासुदेव, नहीं, मैं अब तुम्हारे किसी भी छल में नहीं आने वाला। चले जाओ यहां से, मैं तुम जैसे छलिए की एक बात नहीं मानूंगा। मेरी एक बात नहीं मानना चाहते दुर्योधन, परंतु बात मेरी ही मानी है।
मैं आपके आदेश अनुसार गंगा स्नान करके आ गया माता। मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही किया है ना पुत्र? जी माता। तो सज्ज हो जाओ पुत्र, अब मैं तुम्हारे शरीर को वज्र का बनाने जा रही हूं। संकेत है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है गुरुपुत्र। ये सब क्या हो रहा है आर्य? आपके गांडीव से ये स्वर कैसा? ये स्वर गांडीव की प्रत्यंचा का नहीं है पांचाल, मेघ गर्जन का है। परंतु कुछ समय पहले तक आकाश में ऐसा कोई संकेत नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, इसे आकाश में वज्र खड़क रहा हूं और प्रतीत होता है कि इंद्रदेव की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। नहीं विकोदर, ये संकेत है कि किसी की दृष्टि कई वर्षों के पश्चात किसी पर पड़ी है। मेरा मंतव्य पूर्ण हुआ पुत्र, अब कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। महादेव के आशीर्वाद और मेरे तप के प्रभाव से तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया है।
जिसे क्षति पहुंचाना असंभव है। किया दुर्योधन, मैंने तुम्हें निर्वस्त्र होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, तो तुम क्यों ये अंतर्वस्त्र पहनकर आए? माताजी, बहना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बहना? महादेव के वरदान का उपयोग करने के लिए मैंने दुर्योधन को निर्वस्त्र मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, ताकि इसका सारा शरीर वज्र का बन जाए, परंतु ये क्यों किया दुर्योधन? ऐसा क्यों किया? तुम कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया करो। क्या कह रहे हैं मामाशाही? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि माता के समक्ष पूर्णतः निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। आप ही ने कहा था। मैंने कहा? मूर्ख हो गए हो तुम। मैं कब मिला तुमसे? और ये सब कुछ मैंने नहीं कहा है तुमसे? हिंक, यदि आप मुझसे नहीं मिले तो वो कौन था? आपके पश्चात मुझे वो छलिया वासुदेव मिला था। वो छलिया कृष्ण? ये सब उस छलिए का किया धरा है दुर्योधन। मैं यहाँ से चल कर जाऊंगा, माता श्री का आदेश है। परंतु यहाँ से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु, आपको कुछ पहनना होगा। परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में? मेरी माता का आदेश है। माता पिता के आदेश का अक्षर सा पालन करना कोई आपसे सीखे युवराज? माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? लो, इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। ये सब उसी के कारण हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बहना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय शेष है। एक बार मेरे होने वाले सम्राट को पुनः देख लो। दुर्योधन, उतारो तुम्हारे ये अंतर्वस्त्र, उतारो। कुछ नहीं बचा अब, कुछ नहीं बचा। वर्षों से संचित किया तप मैंने समाप्त कर दिया है भ्राताश्री। इसके पश्चात कुछ नहीं हो सकता। तो जितना आपने दिया वो पर्याप्त है माता, मेरे मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए, उन
उन पांडवों का अंत करने के लिए इतना भी पर्याप्त है माता? कमर से ऊपर सब कुछ वज्र का बन गया है माता, और नियम अनुसार भीम कमर से नीचे गदावार नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए माता। मुझे मेरे युद्ध के लिए सज्ज होना है। मुझे आज्ञा दीजिए माता। मैं वचन देता कि मैं आपके इस आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रणिपात माता। विजयी भव पुत्र, अवश्य ही तुम्हारी विजय हो। ये सारा खेल उस छलिए कृष्ण का रचा हुआ है बहना, इसलिए इस समय उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई चाल तो अवश्य चल रही होगी। आप कहना क्या चाहते हैं भ्राता श्री? इसने जरासंध जैसे महायोद्धा के दो टुकड़े करवा दिए। किसने महामहिम भीष्म को उस शिखंडी का सहारा लेकर शरशय्या पर लिटवा दिया। जिसने महाधनुर्धर अंगराज कर्ण का वध करवा दिया। बहना, मुक्त करो अंगराज को पार, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। वही उद्धव, वही माधव, वही योगेश्वर, वही नटवर, वही छलिया, उसके मस्तिष्क में इस समय कोई ना कोई योजना अवश्य चल रही होगी। नहीं, इस बार मैं कृष्ण को कोई छल नहीं करने दूंगी। समय आ गया है आज के महायुद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। गांडीव इतना भारी लग रहा है माधव कि उठा ही नहीं उठ रहा। हाँ माधव, देश की मृत्यु के पश्चात शस्त्र भारी हो गए हैं। शस्त्र भारी नहीं हुआ है विकोदर, तुम्हारा मन भारी हो रहा है। शस्त्र भारी नहीं हुआ है विकोदर, तुम्हारा मन भारी हो रहा है। मन को हल्का करो, भुजाओं में बल स्वतः आ जाएगा। तुम सो मा सनग माया, तुम सो मा योद्धे।
तुम सब अपने ज्येष्ठ कर्ण के लिए उनके मन की इच्छा, उनके लक्ष्य को पूर्ण करके अपने मन को हल्का कर सकते हो। कर्ण के पश्चात अब तुम सबको उसके परिवर्तन के लिए ये युद्ध करना होगा। तुम्हारे ज्येष्ठ कर्ण का लक्ष्य उचित था, किंतु मार्ग अनुचित था, इसलिए वो पूर्ण ना हो सका और तुम सबका मार्ग धर्म पथ है, सत्य है, परंतु तुम सबका लक्ष्य अनुचित था, प्रतिशोध। अब उचित मार्ग पे चलकर उचित लक्ष्य के लिए युद्ध करो, परिवर्तन के लिए युद्ध करो, और यही तुम्हारे ज्येष्ठ कर्ण के लिए सत्य में उचित श्रद्धांजलि होगी। और परिवर्तन तब तक नहीं आ सकेगा जब तक दुर्योधन जीवित है। कर्ण के पश्चात अब भी युद्ध भूमि में कुछ अपने हैं जो तुम सब के विरुद्ध खड़े होंगे। कर्ण का शरीर भले ही नष्ट हो गया, परंतु कर्ण की आत्मा, कर्ण की सोच अभी भी जीवित है, और ये सोच बहुत कुछ जीवित कर देती है। युद्ध का 18वां दिन। कर्ण उस दीपक की भांति है जो बुझने से पूर्व दूसरे दीपक को प्रकाश दे जाता है और फिर उस प्रकाश में लौट कर आता है। श्री शैल कहा था ना पार्थ, इस युद्ध में कुछ और अपने होंगे जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। मैं जानता हूं मैं अंगराज नहीं बन सकता, परंतु मद्राज की साहस का दर्शन अवश्य होगा। मैं वचन देता हूं जो मैं सारथी बन के नहीं कर पाया वो अब मैं अपने रथी के रथ पर अरुण होकर अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है। मैं वचन देता हूं कि आज का दिन सदा स्मरण रखा जाएगा। न बंधु न सखा न बहन न कोई भांजा आज शल्य के लक्ष्य में कोई बाधा नहीं बनेगा। आज शल्य प्रायश्चित करेगा एक महान योद्धा के मृत्यु के सहायक होने के अपराध में। आज शल्य प्रायश्चित करेगा अपने अपराध का।
यदि ऐसा है तो आज साथ मिलकर लड़ेंगे शैल्य। आओ मेरे साथ मिलकर मेरे मित्र का प्रतिशोध लो। सर सेनापति शैल्य। सेनापति शैल्य की। सेनापति शैल्य की। सेनापति शैल्य की। आज तुम बाण होगे और मैं ढाल। मित्रगण के लिए और ये मेरे पश्चाताप के लिए। आक्रमण! आक्रमण! हे महारथि कर्ण के नाम ये मित्र कर्ण के लिए। क्यों पार्थ, क्या कर पाओगे मदराज शैल्य के बल का सामना? रथ को मदराज और दुर्योधन की ओर ले चलिए माधव। आरती उस ओर चलो। शत्रु पे प्रहार करने को उसका बल और कौशल दोनों आंख लेना चाहिए। मूर्ख जल के समक्ष क्रोध करने वाला आधा बल खो लेता है। इस जोड़ी को ही नहीं, आज मैं दोनों के शरीर को ही तोड़ डालूंगा। निर्बल को हराकर कोई महायोद्धा नहीं हो जाता है मामा श्री शल्य। यदि साहस है तो मुझसे द्वंद कीजिए। भांजा कुछ मांगे तो मामा को दे देना चाहिए, यह उसका कर्तव्य है। वो लाड भी जैसे तुम्हारी इच्छा अर्जुन। We'll be right back.
अंतराष्ट्रीय अपना लक्ष्य भूल गए विपदार। मेरे 99 भाइयों के पश्चात मैं तो हूं तुम्हारा लक्ष्य। प्यार की जब मृत्यु आती है ना तो वो गांव की ओर भागता है। तुम्हें तुम्हारा अंत क्या खींचता है दुर्योधन? सावधान दुर्योधन। कहा तुमने, कर लो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। मेरे मस्तक को तोड़ दो, दहर करो मुझ पर विकोदन। अभी बंद कर दो मेरा, कर लो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने सम्राट से भिखारी बना दिया था तुम सबको। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया था तुम सबको। वो अज्ञातवास स्मरण करो, वो भी मैं ही था। स्मरण करो द्रौपदी का वस्त्र हरण, वो भी मैं ही था। और अभिमन्यु का वध, वो भी स्मरण करो, वो भी मैं ही था। मार दो मुझे, अपना प्रतिकार लो, मुझे मार दो। वैसे भी मेरे 99 भाई और मेरे मित्र के चले जाने के पश्चात अब जीने की इच्छा शेष नहीं है। मार दो, आओ आओ भीम, बंद करो मेरा, मार दो। दुर्योधन, दुर्योधन, तुमने सुना नहीं भी, मैंने कहा 99 भाइयों और मेरे मित्र की मृत्यु के पश्चात जीने की इच्छा शेष नहीं है। यदि कुछ शेष है तो वो प्रतिकार की कामना, प्रतिशोध की इच्छा। आओ भीम, धार करो मुझ पर। ऐसे लोगे अपने समस्त परिवार के ऊपर किए गए अपमान का प्रतिशोध ऐसे करोगे पूर्ण अपनी प्रतिज्ञा? धार करो, देखो ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है, ना ही कोई दिव्यास्त्र। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है और मेरा क्रोध ही मेरा दिव्यास्त्र। धार करो। ऐसे नहीं भीम,
वहां क्या देख रहे हो अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनिति में फंसा के मार डालोगे। मैं मद्राज चल हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम, कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ। लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन। संयम पार्थ, संयम। अधीनता और क्रोध मद्र राज का तोड़ नहीं है पार्थ। मद्र राज इस अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। मामा श्री, क्या सारा लाज अर्जुन पर उड़ेल दोगे? नहीं बांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। आओ
साधो, दिगोदर भीम साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी? यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ? अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण? नहीं, ऐसा तो नहीं, तुम स्वयं उस पल का आनंद ले रहे थे।